वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल बाइक। अब इस बाइक को हम लोग सेल्फ स्टार्ट करेंगे, तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग जैसे कि इंजन बदलना पड़ता है, इंजन का चेंबर बदलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट इस वीडियो में आप लोगों को वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। अभी आ चुकी है BS6 का ज़माना है और BS6 में जाता है दिया जाता है जैसे कि ACG सेल्फ स्टार्टर। तो ACG सेल्फ स्टार्टर सिस्टम हम इस बाइक में करेंगे और बाइक में कोई भी अब जैसे कि हमने फिट कर दिया है, बट वो सब आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मैंने फिट किया और क्या क्या किया। तो इस बाइक में कोई भी अभी आप लोगों को सेल्फ नहीं देखने को मिलेगा, बट सेल्फ काम करेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इग्निशन ऑन किया और जैसे कि यहाँ सेल्फ का स्टार्ट दबाएंगे, किल स्विच बंद करेंगे, बंद हो गया। फिर सेल्फ का उपयोग करेंगे, बंद किया। तो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक में सेल्फ स्टार्ट हमने कर दिया है और बाइक में कोई भी सेल्फ स्टार्ट लगा नहीं है, बिना सेल्फ का हमने सेल्फ स्टार्ट किया। कैसे इस वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। तो हमने क्या क्या लगाया, कहां से लिया और वायरिंग का साथ हमने क्या किया जैसे कि सेल्फ स्टार्ट बन गया, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप लोग जुड़ रहे हैं। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगेगा, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी इंडिया का मैकेनिक भाई है, बाहर का मैकेनिक भाई है, सबको पता चले जो ओल्ड मॉडल बाइक में हम लोग सेल्फ का उपयोग कैसे करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस ये है वायरिंग, आर्मेचर कॉयल, स्टार्टर सोल, स्विच, ECM आया है, मैग्नेट आया है, क्लाजियो कॉयल, कुछ ओरिंग दिया गया है, क्लच स्विच, तो पूरा किट हमें दे दिया गया है। अब इसे हम लोग स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल बाइक में इंस्टॉल करेंगे। तो सो गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं बाइक को मैंने ऑलरेडी खोल चुकी हूँ और आप लोग को अभी फिटिंग करके दिखाऊंगा, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे फिट करें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आर्मेचर कॉइल और मैग्नेट की सेटिंग करेंगे, करने के बाद वायरिंग हार्नेस और काफ़ी सारे और भी चीज़ है। तो चलिए एक तरफ से हम शुरुआत करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस सेल्फ स्टार्ट के लिए ये आर्मेचर कॉइल हम लोग का नहीं चलेगा, तो हम लोग को पूरा सेट बदलना पड़ेगा। तो हम लोग फिटिंग करेंगे आर्मेचर कॉइल, तो चलिए कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने किट दिया है, किट अगर हम लोग ना डालें तो इंजन ऑयल लीकेज करेगा। इस जगह पर हम लोगों का ग्रीस देना पड़ता है, कोई मैकेनिक क्या करते हैं अट्ठा दे देता है और कंडीशन हम लोगों का ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप लोग नया ओरिंग देने का उपयोग करें, ग्रीस दे के काम करिए, तभी हम लोगों का सेटिंग अच्छा से होगा और ऑयल लीकेज नहीं करेगा। आसानी से हम लोगों का मैग्नेट चल चुकी है। तो गाइस ये जो कॉयल प्लेट है स्प्लेंडर बाइक की है, ये जो एल्यूमिनियम का प्लेट है स्प्लेंडर का ही है, बट ये जो कॉयल है आप लोग आर्मेचर कॉयल देख रहा है, ये आप लोगों को एक्सेल हैवी ड्यूटी का देखने को मिलेगा और इसमें कुछ सिस्टम किया गया है। गाइस ये जो हम लोग का पिकअप कॉयल का सेंसर है, इसे हम लोग जैसे कि थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसे ढीला देखिए मैग्नेट लगाने का उपयोग करें। और चलो नॉट वगैरह लगा देता हूँ और सेंटर करके पूरा फाइनल कर देता हूँ। तो गाइस इस नाट को हम लोगों को फाइनल टाइट करना है,
वरना इंजन ऑयल लीकेज करेगा। बस ये जो मैग्नेट है इसमें कंपनी ने कुछ बदलाव किया है, देखिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और अलग से खास करके जो कंपनी है स्प्लेंडर बाइक के लिए ये फिटिंग का किया है। तो इसमें हम लोग को दो कटिंग देखना पड़ेगा, मिल रहा है तो फिलहाल कौन सा डिग्री में हम लोग को रखना है जिसमें कि हम लोग का सेंसर डिटेक्ट कर पाए और बाइक में करंट दे, तो वही ये जो हम लोग का कटिंग है इसको रखना है हम लोग का मैग्नेट का इस बाइक में, और ये अलग बाइक के लिए है, स्प्लेंडर के लिए है। तो यहाँ लगाने से, इस चेयर पर लगाने से हम लोग का टाइमिंग रोटेट ठीक करेगा और जो हम लोग का क्रैंक पोजिशन का सेंसर है वो डिटेक्ट कर पाएगा और बाइक में करंट आएगा और स्टार्ट का आना जाना चालू हो जाएगा। तो चलिए मैग्नेट हम लोग सेटिंग करेंगे, तो उससे पहले इसे ढीला कर देता हूँ बस, और नीचे मैग्नेट लॉक दिया गया है, अभी इसको हम बाद में सेटिंग करेंगे। सेटिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है, सिर्फ पिकअप कॉइल को मिलाना है। पिकअप कोयल की सेंसर की दूरी हम लोग रखेंगे 0.63 mm, तभी हम लोगों का डिटेक्ट सही से कर पाएगा। इसे हम लोग लाएंगे इसी जगह पर, ठीक है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के पास लाकर हम लोगों को मिलाना है। अगर यहाँ मिलाए तो बाद में हम लोगों पर दिक्कत होगा, तो अभी ढीला देना पड़ेगा बस। अब इस तरह से हम लोग जैसे चाप के रखेंगे, ठीक है बस। बस आसानी से खींच लेंगे और ये हम लोग का टच नहीं होगा और इससे हम लोग का मैग्नेट डिटेक्ट कर पाएगा। तो चलिए यहाँ का काम हम लोग का ख़त्म। इसमें हम लोग का दिया गया है एक रबर, इस रबर को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। बस ये हम लोग का सेफ्टी हो चुकी है, यहाँ से हम लोग बाइक सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, ले जाना है। सेल्फ का जो स्विच है और कील स्विच है हम लोग यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। क्लफड़ा है यहाँ, इसको पॉइंट ऊपर दिया गया है तो पॉइंट हम लोग को नीचे पॉइंट करना है, तभी हम लोग उपयोग कर पाएंगे, इसको फिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। ये आसानी से और हिलने वाला नहीं है और जैसे कि हम लोग का सेटिंग भी बेहतर आया है, तो चलिए इसे हम लोग सेटिंग कर देते हैं। फ्लाशर देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये फ्लाशर देने का रीज़न यही है कि मैंने इसका जो स्विच है ये मैंने न्यू मॉडल किया, इसमें पासिंग स्विच भी मिल जाएगा, डिपार स्विच भी मिलेगा, ऑफ ऑन स्विच करने भी मिल जाएगा, बट जो ओल्ड मॉडल बाइक था इसमें हम लोग को अलग से इस तरह का स्विच देखने को मिल रहा है, तो ये स्विच हम नहीं लगाएंगे, ये स्विच मैंने इंस्टॉल किया। तो यहाँ मैंने क्या किया, देखिए इसका जो कपलर है गाइस, यानी कि मैंने कट दिया है और जो जिसने भी जिस कलर का वायर था मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब चलिए यहाँ का काम ख़त्म, अब आप लोगों को वायरिंग फिटिंग करके दिखाता हूँ, जो एक एक तार के बारे में, एक एक वोल्टेज के बारे में। तो चलिए वीडियो में जुड़ा रहिए। तो गाइस चलिए वायरिंग को हम लोग इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट। तो चलिए वायरिंग हार्नेस को हम लोग ले जाएंगे पीछे। चलिए इस सिम को हम लोग यहाँ फिट करेंगे, तो इस वायर को हम लोग को कनेक्शन दिया है क्योंकि इसका छोटा कनेक्शन है, इसे यहाँ कनेक्शन करना पड़ेगा।
ए सी एम को हम लोग रखेंगे इसी जगह पर, ठीक है। और ए सी एम का कपलर ये अलग से आप लोगों को मिल जाएगा। बस बैटरी वाला दीजिए वो वाला। गाइस बैटरी से हम लोग का डीसी वोल्टेज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। चलो इसको भी हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, जिसमें कि बैटरी हम लोग का यहाँ बड़ा बैटरी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बस, यानी कि हम लोग का कनेक्शन यहाँ हम लोग हो चुकी है, ठीक है। और ये हम लोग का जैसे कि कनेक्शन आया है आर्मेचर कॉयल से, ठीक है। तो यानी कि आर्मेचर कॉयल से आया है और पिकअप कॉयल का वायर हम लोग को जैसे कि लगाना पड़ेगा। तो चलिए पिकअप कॉयल का वायर यहाँ कॉयल प्लेट से आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से कॉयल प्लेट से आया है। और यहाँ जो वायर दिया गया है गाइस, इसका हम लोग कुछ उपयोग करेंगे। जो ये चार्जर है, चार्जर इस बाइक में लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, क्यों, इसमें हम लोग का चार्जर आरआर यूनिट इसका साथ ही दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ इसे बॉडी अर्थिंग करेंगे और इसको, ठीक है। तो चलिए आसानी से हम लोग यहाँ बॉडी अर्थिंग कर लेते हैं। अब गाइस ये वाला जो वायर है ये हम लोग का न्यूट्रल की है। तो न्यूट्रल हम लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल कहाँ पर मिलेगा। देखिए इसी जगह पर न्यूट्रल आपको नहीं मिलेगा, न्यूट्रल की कनेक्शन हम लोग को मिलेगा एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ, यही इसी कपलर में है। तो गाइस ये जो कपलर है पुरानी वाले आर्मेचर कॉइल की है। तो इसमें जो हम लोग का न्यूट्रल की कनेक्शन है, यहाँ देखिए रेड में थोड़ा हरा, और इस वायर को यहाँ अटैच करना है, ठीक है। इस वायर को यहाँ अटैच करना है हरा में, सॉरी। बस तो एक वायरिंग में हम लोग का एक कपलर और भी है। तो ये जो वायर है और ये वायर एक ही कपलर का है, और इसमें बॉडी अर्थिंग भी है। तो बॉडी अर्थिंग हमको यही सेट करना है, और जैसे कि इस कपलर को इसी जगह पर लगा देना है, इसी जगह पे, तभी हम लोग का सेल्फ का उपयोग काम करेगा जल्दी से। और यहाँ हम लोग का काम बन गया है। तो कपलर है अभी स्टार्टिंग के लिए कोई हम लोग का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीडीआई यूनिट भी हम लोगों का जैसे कि बाइक में नहीं लगाएंगे। सीडीआई का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ हम लोग का वोल्टेज वगैरह के लिए बैटरी का जो वोल्टेज है यहीं से आएगा। और कुछ चीज़ हम लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। कॉयल जो है वो फिट करेंगे। तो यहाँ हम लोग का सेटिंग के लिए एक दिया गया है, उसमें जिसमें कि हम लोग कनेक्शन करे थे उसमें बॉडी ना हो। ये वाला जो वायर है चलिए एक एक करके लगा देता हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ठीक है। बाद में इसको हम लोग देख भी सकते हैं। तो गाइस अब सवाल है वायरिंग हार्नेस जो आया है कंपनी से इसी तरह से आया है, और क्या क्या आया है देखिए। ये हम लोग का चेक इंजन लाइट है, जब भी सेल का उपयोग करेंगे ये हम लोग का ब्लिंक करेगा। और यहाँ हेडलाइट की इनपुट वायर है, और ग्राउंड है, वोल्टेज है। और यहाँ जो सेल्फ का उपयोग करने का सिस्टम है, यहाँ अगर इस वायर पे हम लोग भरे तो जैसे कि यहाँ भरने से हम लोग का किल स्विच भी काम करेगा, और सेल्फ का उपयोग करने से सेल भी काम करेगा। तो क्लच स्विच का है, जिसमें कि क्लच स्विच हम लोग जिसमें कि कनेक्शन करें, यहाँ देखिए अगर क्लच दबाए तो गियर पर भी बाइक काम करेगा ना। तो बैटरी के लिए हम लोग इसको अच्छी तरह से सफाई करेंगे। गेट 4 जो है बैटरी वही हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस, ठीक है, जिसमें कि साइड कवर भी हम लोग को आसान से लग जाए और अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। मैंने बैटरी तो इंस्टॉल कर दिया है गाइस, अब बाकी जो काम है गाइस अब हम लोग करेंगे क्या, जो वोल्टेज हम लोग को बाइक पर देना है। एसीएम के पास तो वोल्टेज चला गया है गाइस, अब हम लोग को जैसे कि कुछ काम करना पड़ेगा तभी हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए बैटरी को नॉट बोल्ट टाइट कर देते हैं। यहाँ पुरानी वायरिंग में आप लोगों को एक हरा कलर की वायर देखने मिलेगा बॉडी अर्थिंग, और रेड कलर की वायर जो है वोल्टेज है। तो वोल्टेज पे आप लोगों को इस वायर को अटैच करना है। बस अब बॉडी अर्थिंग की जो कपलर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे, और अच्छी तरह से टेप कर दीजिएगा, ठीक है, कहीं शॉर्ट सर्किट होने का कोशिश ना करें, क्योंकि बाइक में ECM सिस्टम है।
यानी कि हमने कर दिया है। और इसमें बैकलाइट की जो वायर है पीछे का बैकलाइट जलाने के लिए इसमें कनेक्ट कर दिया है। और यह फ्यूल मापने का मीटर, ये हम लोग का पिकअप कॉइल की वायर, इसका और ज़रूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो चलिए ये फ्लासर यहीं लगा रहने दीजिए, इसको बॉडी देना पड़ेगा। बॉडी अर्थिंग हम जैसे कि बैटरी का पोल से भी कर सकते हैं, तो चलो बैटरी का पोल से कर लेंगे। वायरिंग हार्नेस पर तीन वायर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो तीनों का काम मैं आपको बता देता हूँ। हैंडल बार स्विच में एक हरा कलर की वायर है, वायरिंग का जो हरा कलर की वायर है बॉडी अर्थिंग है, तो बॉडी अर्थिंग के लिए हम लोग उपयोग करेंगे कोई भी हरा कलर की वायर में हम लोग जैसे कि इसको सेटिंग कर देंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए आसानी से यहाँ हमको मिल गया है और यही हम इसको कपलर में सेटिंग कर देंगे। बस अब सवाल है एक में वोल्टेज देना है ब्लैक कलर की वायर में, तो जो हीरो की बाइक है स्प्लेंडर में ब्लैक कलर की वायर आसानी से आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इग्निशन स्विच भी ले सकते हैं, ब्रेक स्विच भी ले सकते हैं। चलो एक वायर में हम देखते हैं, हाँ यहाँ मिल गया। तो ब्लैक कलर की वायर जो है इसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। बस ब्लैक कलर में हम लोग इंस्टॉल कर दिया। अब काम है हेडलाइट के लिए। तो गाइस हैंडल बार स्विच में एक हम लोग का हेडलाइट के लिए एक अलग से वायर आएगा, पीले कलर की वायर, यहाँ से आप लोगों को कट करना पड़ेगा। और यहाँ जो आप लोगों को देखने मिलेगा वायरिंग पर ब्लैक में पीला, तो उसी को यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोग का फिलहाल वायरिंग रेडी हो चुकी है, तो चलो पहले हम लोग टेप कर लेते हैं। यानी कि जितना भी वायरिंग है मैंने कनेक्शन कर दिया है, आप लोग एक एक तरफ से सब काम कर रहा है कि नहीं वो भी दिखाऊँगा। एक्चुअली सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। एसीएम को हमने यहाँ रखा है और बैटरी जैसे कि बड़ा बैटरी हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ हॉर्न बजा के, हॉर्न बज रहा है। इंडिकेटर देखिए जलाऊंगा, देखो इंडिकेटर भी हम लोग जल रहा है। अब हेडलाइट दिखाता हूँ, देखिए गाइस इसको इस तरह से पकड़ो और यहाँ हम डीपर करेंगे, यानी कि काम कर रहा है। और पासिंग भी हम लोग का काम कर रहा है, देखो पासिंग भी काम कर रहा है। अब चलो बाइक को हम लोग सेल्फ का उपयोग करेंगे, तो चलो की स्विच बंद करेंगे, बंद हो गया है, चालू करेंगे। तो आसानी से सेल्फ काम कर रहा है, इंजन पर कहीं भी सेल्फ लगा हुआ नहीं है, देखिए कहीं भी सेल्फ लगा हुआ नहीं है, बट सेल्फ हम लोग का स्टार्ट काम करेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पुश करेंगे और नीचे देखिए इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। यानी कि पूरा बाइक सक्सेसफुल हो चुकी है और आसानी से हमने सब कुछ कर दिया है गाइस। तो सिर्फ आप लोगों को देखना है कौन सा वायर कहाँ पे लगाना पड़ेगा, कंपनी जो है पूरा किट आप लोगों को दे मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से। तो गाइस यानी कि मैंने हेडलाइट का जो सिस्टम किया है, बाइक जब भी स्टार्ट होगा तभी हम लोगों का काम करेगा। क्यों? इसमें एसीएम से हम लोगों का जो ग्राउंड आएगा, ये ग्राउंड हम लोगों का बॉडी का साथ संपर्क नहीं करना है। पहले आपको बताया था कि इसको बॉडी का साथ है, वायर बॉडी में जाएगा और फिर जाने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से हेडलाइट का लैम्प जो है इसमें बॉडी मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इस बाइक में सिर्फ हम लोगों का बॉडी अर्थिंग हेडलाइट के लिए उपयोग करेंगे। वायरिंग से जो हम लोग का तीन वायर आता है गाइस, यही हम लोग को कंफ्यूज करता है। जो ब्लैक कलर में हम लोग को वोल्टेज में लगाना है ब्लैक कलर की वायर में, पीला कलर को देना है पीला कलर की जो हैंडल बार की स्विच है इसमें देना है, और जो हरा कलर की वायर है उसको बॉडी अर्थिंग हम लोग को नहीं करना है, वो सिर्फ है हेडलाइट के लिए है। तो हेडलाइट का हम लोग का जो हाई लाइट है और लो लाइट है, जैसे कि वाइट कलर की है और जैसे कि एक ब्लू कलर की, तो इसमें हाई लो मिल जाता है। अब यहाँ जो हम लोग का ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोग को इसी वायर में लगाना है जैसे बॉडी का साथ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें यहाँ लगाने से क्या फ़ायदा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ करके। चलो इग्निशन ऑन किया, अभी हम लोग का जैसे कि पार्किंग लाइट जल रहा है गाइस, देखो अभी हेडलाइट जैसे कि हेडलाइट का दिखाइए, कहाँ दिखाइए ना, जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पार्किंग लाइट जल रहा है, हेडलाइट नहीं जल रहा है। अब स्टार्ट करने से हम लोग को ऑटोमेटिक जल जाएगा गाइस, देखिए इग्निशन हम लोग का LED लाइट जल गया, हेडलाइट का जल गया और यहाँ से डिपार भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब बाइक का हेडलाइट ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया, बाइक स्टार्ट है। और देखिए अब कि अगर बाइक को हम लोग बंद करें तो ऑटोमेटिक जैसे कि बंद हो जाएगा, देखो बंद हो गया। अब स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ हम लोगों का जो DRL बॉल है वही जलेगा।
सो गाइस आप लोगों ने देखा स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल बाइक में मैंने एक्चुअली सेल्फ स्टार्ट फिट कर ही दिया, और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट नहीं है, स्प्लेंडर बाइक का लाइट का भी प्रॉब्लम है और बैटरी चार्ज का भी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ देखने को मिला, जो सेल्फ स्टार्ट भी हो गया, बड़ा बैटरी भी इंस्टॉल कर दिया है, इससे क्या होगा लाइट भी हम लोग का बेहतर से बेहतर मिलेगा और बैटरी चार्ज भी बेहतर देगा और सेल्फ स्टार्ट भी आराम से हो जाएगा। बट ये सब तो आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों का मन में सवाल है कि हम भी अपने बाइक में यूज करेंगे, ये कहाँ मिलेगा? तो गाइस जरूर आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग जैसे कि इच्छा रखते हो स्प्लेंडर बाइक में सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग बात कीजिए, आपको मिल जाएगा, आपका एड्रेस दीजिएगा और फोन पे नंबर पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया था तभी मेरे पास आया, उसी तरह आप लोगों को करना पड़ेगा। तो गाइस ये लगभग हमारे पास आने में 4 दिन लगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुरियर खर्चा ज़्यादा देना पड़ा तभी जाके काम आया, तो फिलहाल मैंने आप लोगों को करके दिया। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा तब जाके ये वीडियो बना, तो आप लोगों का फर्ज बनता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और छोटा सा कॉमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई के यूट्यूब चैनल का साथ।